दोस्तों बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि कोविड-19 रोगी वंशी कृष्णा की मौत के बाद नाराज परिवार के सदस्यों ने गुरुवार को यहां बंजारा हिल्स के विरिंची अस्पताल में गलत इलाज, लापरवाही और उनकी मौत की रिपोर्ट में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। आपको बता दें कि पीड़िता की बहन शशि भवानी वांगपल्ली ने 15 लोगों के साथ अस्पताल पर धावा बोल दिया और अपने भाई के लिए इलाज में चूक को लेकर मैनेजमेंट के साथ तीखी बहस हो गई। उनका कहना है कि हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण ही उनके भाई की मौत हुई है। उन्होंने डॉक्टर दिलीप जी को निशाना बनाया। उन्होंने वंशी कृष्णा की मृत्यु के लिए उन्हें दोषी ठहराया और मांग की कि उनका प्रैक्टिस करने का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए। वहीं आपको बता दें कि जुबली हिल्स में मुग्धा स्टूडियो नामक बुटीक चलाने वाले मृतक के परिवार ने अपने बिजनेस पेज के माध्यम से फेसबुक का सहारा लिया और पूरे हाथापाई को लाइव स्ट्रीम किया। इसमें उन्होंने कहा है कि हम यहां डॉक्टर से पूछने के लिए आए हैं कि उसने मेरे भाई को स्टेरॉइड्स की उच्च खुराक के साथ क्यों मारा, उन्हें कैंसर और अवसाद की दवा क्यों नहीं दी गई, जबकि उनकी HRCT रिपोर्ट महज 10/25 थी, जो एक सामान्य बीमारी है। वहीं अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार वंशी कृष्णा को 9 मई को भर्ती कराया गया था और 22 मई को उनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं हालांकि परिवार ने दस्तावेजों का उल्लेख किया है जिसमें पता चलता है कि मौत की रिपोर्ट में वंशी को एक महिला के रूप में दिखाया गया था और कहा गया था कि उन्हें 14 मई को सांस फूलने की शिकायत के साथ भर्ती कराया गया था। वह सांस नहीं ले पा रहा था और उसे 10 दिनों तक बुखार नहीं था, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया था। अस्पताल डॉक्टर को बचा रहे हैं, ऐसा उनके एक रिश्तेदार ने कहा है। वहीं करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर पंजागुट्टा थाने ले गयी। अस्पताल ने शिकायत दर्ज कराई है जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई गई थी। पुलिस ने IPC और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मारपीट, आपराधिक अतिचार और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। आपका इस मामले पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।